है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। भगवान की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की पंच कल्याणक महामहोत्सव अंतिम निर्वाण कल्याणक प्रातः बेला में आप लोगों के सामने संपन्न हुआ। यह पंच कल्याण महोत्सव का अंतिम दिन पूर्ण हो गया। मध्यान्ह में जो विहार होगा श्री जी का, उसका रूप आपके सामने ही पात्रों का चयन हो करके वह भी संपन्न हो गया है। आपको सोचना है इन 5 दिनों में आप लोगों ने देखे सुने अनुभव किए बड़ा अद्भुत है था। यह बात सामने आ गई था पंच कल्याण महोत्सव सतना में है नहीं था, होगा 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 कह रहे थे और वह है, फिर इसके उपरांत हो गया है। सोचो विचार करो, काल के निमित्त से वस्तु का परिणाम इस प्रकार हुआ करता है। अनाज अनिधन द्रव्य होता है, पर्याय लहर की भांति मिटती चली जाती है, बल्कि यूं कहना चाहिए द्रव्य का परिणाम ही इस प्रकार हुआ करता है और लहर उठती रहती है। आत्म द्रव्य है, उसमें पर्याय उत्पन्न होती है, वो लहर की भांति उत्पन्न होकर के उसी में उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है और द्रव्य अनादि अनिधन ज्यों का त्यों बना रहता है। आपको मुक्त होना इसका अर्थ यह नहीं है कुछ द्रव्य को प्राप्त करना है, नहीं, किंतु उस स्वरूप को उसके स्वरूप को समझ करके राग द्वेष मोह मद मत्सर आदि नहीं करना है। पर द्रव्य के संयोग से जो पर्याय उत्पन्न होती है उसके कारण जिन पर्यायों में वह मुक्त होकर के चलता रहता है, अपने आप को भूल करके ये पर्यायों में वह उलझता चला जाता है। ये उलझने आज के नहीं, उलझता चला जाता है। ये उलझने आज के नहीं, ये भ्रांतियां आज की नहीं मानते हैं, किंतु यह अनंत काल तक रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। आप थोड़े से कमर कसिएगा और जिस प्रकार उत्साह के साथ मैं सोचता था कि यहाँ की प्रकृति के बारे में बड़ा वैशिष्ट पूर्ण था, आंधी तूफान वर्षा बर्फीली हवाएं और कोहरा, इधर उधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों का आना जाना बिल्कुल ठप सा हो रहा है, टाइम पर सारे सारे वाहन नहीं आ पा रहे हैं, यात्री लोग उलझते चले जा रहे हैं, पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की बातें सुन रहे थे, ये एयर कंडीशन में रहने वाले सेठ लोग अब 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर कोहरा जब हुआ है एक दूसरे की पहचान नहीं हो रही है, लाइट जला दे तो मोमबत्ती का भी काम कर नहीं रही है, ये कैसे आएंगे क्या आएंगे हैं, एक धोती दुपट्टा में कैसा होगा, जीवों का क्या हाल होगा, धरती वालों का क्या हाल होगा, सारी व्यवस्था कैसे समझी जाएगी। पूरा का पूरा संपन्न हुआ। एक विकल्प और था कि निर्वाण कल्याण के तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, वहां से यहाँ तक कैसे आएंगे, लेकिन आज तो सूर्य नारायण ने भी निर्वाण कल्याण बनाया। बिल्कुल आसमान साफ सुथरा, एक सतना की परीक्षा मान लो, एक दिन करते 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 पूरे पूरे आज कौन सी तारीख है,
महाराज जी संघ का कौन से तारीख पर आगमन हुआ था? एक महीने में ये सारा गदाया कार्य। हाँ वो एक महीना तो एक माना जाएगा, क्योंकि दिन के पीछे से गिनते हैं। अब इसके उपरांत वर्ष के पीछे से सुनो, कौन से सन में आए थे हम तो यही कहेंगे 2009 में आए थे और महाराज जी 2010 में है। अब आप थोड़ी थोड़ी क्यों मांग करते हो? हम तो ये कहेंगे महाराज अभी थोड़ी तृप्ति नहीं हुई है, तो एक साल होने के उपरांत जो तृप्ति नहीं हुई यह एक बड़ा अद्भुत है। समय पर कर्मों के उदय कैसे आ सकते हैं कोई पता नहीं लगता। गर्मी के समय पर सर्दी, सर्दी के समय पर वर्षा, वर्षा के समय पर और कुछ, इस ढंग से परिवर्तन होते रहते हैं। करना है जब निष्ठा के साथ हम खड़े हो जाते हैं तो सारी सारी बाधाएं कोई वस्तु होती ही नहीं। हम उस ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है, किंतु उस ओर नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं लगता। ऐसे ही एक बार हमें अपने स्वरूप को निर्धारित करके उसी ओर देखना प्रारंभ कर दे, ये सारी सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। यद्यपि यह बात निश्चित है कि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से देखते हैं तो पर्यायें बाहर की दिखती हैं, किंतु आस्था के गवाक्ष से जब हम झांकने लग जाते हैं उस समय कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि आस्था में एकमात्र वह द्रव्य ही दिखता, वह आत्म तत्व ही दिखता है। और उस ओर यदि हम स्थिर चित्त होकर के देखने लग जाते हैं तो कुछ भी बातें नहीं आते। इसलिए इंद्रियों के प्रयोग कम करो। इंद्रियों के दमन का अर्थ इतना ही है कि इंद्रियों के व्यापार करते ही हमें पर्याय मिलती है और संयोगज पर्याय मिलती है, क्योंकि इंद्रियों के विषय रूपी ही रहते हैं और आत्म तत्व अरूपी है। साधक इतने में ही खुश हो जाता है कि मुझे इंद्रियों के व्यापार नहीं करना, करते हुए भी जो आवश्यक हो जाता उतना कर लिया, बाकी इंद्रियों को व्यापार करने के लिए कहा ही नहीं गया। और अच्छे साधक जो है ना कि पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, त्रिकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, कि जाते हुए भी नहीं जाता है अथवा विशेष कोई बात जानते हुए भी नहीं जानता। ज्ञान जानने के लिए नहीं किंतु उससे ऊपर उठने के लिए है। हे और उपाधि, यह हे है क्या? यह उपाधि है, यह जानने के लिए साधन है, किंतु साधक इसको जब भूल जाता है उसी ज्ञान में उलझता चला जाता है। न गे में उलझना है और न ही ज्ञान में उलझना है, क्योंकि यह सारे सारे उलझन ही उलझन है। द्रव्य कोई और देखते हैं तो ज्ञान का भी कोई काम नहीं होता, चुप बैठ जाता। ज्ञान तो एक साधन है और ये तो अपने लिए ये ही है। तो ज्ञान यद्यपि उपाधि जैसा लगता है लेकिन ये के अपेक्षा से ज्ञान है। ज्ञान को देखने के लिए, जानने के लिए भी नहीं है वो, उसको शांत रखने के लिए। यदि टॉर्च आप काम लेते हैं तो कब लेते हैं? रात में जब उजाला नहीं रहता उस समय। फिर उजाला आ गया तो टॉर्च तो रहते हो। उसी प्रकार ज्ञान को बार बार देखना नहीं चाहिए आप लोगों को। इंद्रियों के व्यापार जिस प्रकार साधक के लिए ही है उसी प्रकार ये ध्यान रखना। कल की एक बात मैं कह करके पूर्ण कर देता हूँ। चार ज्ञान दीक्षित होते ही केवल साधक को हो गए, तीर्थंकर वो चार ज्ञान हो गए, मत ज्ञान सोच ज्ञान अपने के पहले से थे, मन पर ज्ञान भी हो गया, लेकिन चतुर ज्ञान निग्रह रूप संस्कार अस्मिन अर्थे स्फुरतु स्फुरतु मुनौ स्फुरतु, एक ऐसा सूत्र आया था उस समय मुझे ऐसा लगा था वो हो। जे को तो हम छोड़ते देते हैं
लेकिन यहाँ पर चार ज्ञान के निग्रह की भी बात कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं, बार बार ज्ञान की बात करते हो, वहां पर आत्मा की बात करने के लिए कहा गया। ज्ञान एक प्रकार से उलझन को सुलझाने के लिए एक साधन है। हम उलझे तब तो काम करेगा, हम उलझे क्यों? ज्ञान की ओर भी मत देखो, ज्ञान का निग्रह करने के लिए कहा। चुप आप बैठ नहीं सकते, भीतर चलता रहता है, यह आपकी मन की चंचलता मानी जाती है। मन है तो सोचने लग जाओ, गलत है। आंखें हैं तो देखने लग जाओ, गलत है। इंद्रियां हैं लेकिन उनको काम में नहीं लो। इसी प्रकार ज्ञान भी एक साधन है, उसको काम में नहीं लो। ये काम में नहीं लेना ये निग्रह का प्रतीक हो जाता है। ज्ञान के निग्रह करने वाले साधक होते हैं और ज्ञान के ऊपर मद करने वाले ज्ञान तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यह साधना का अपने आप में अद्भुत दृष्ट है। उस प्रतिष्ठा पाठ में जब तीर्थंकरों के लिए भी उन्होंने ये कहा कि चतुर ज्ञान निग्रह संस्कार अस्मिन मुनो, या कोई भी स्फुरतो, मतलब ज्ञान तो आप लोगों ने प्राप्त किया लेकिन वही अपने लिए अभिशाप से हो सकता है, उसी में उलझे रहेंगे। तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं नानश्च दुःपवत्तम, ज्ञान का दुःप्रयोग है। वो टॉर्च उतने में ही काम लेना चाहिए। बहुत समय हो गया फिर भी सानंद संपन्न यह कार्यक्रम हुआ और इसी प्रकार उत्साह के साथ आप लोगों ने जो मध्याह्न का उत्सव रखा उसको भी पूर्ण करना है। अभी समय ज्यादा नहीं है, इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह निर्वाण कल्याण का आनंद अपने आप में अद्भुत था। अहिंसा परमो धर्म, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर में।